स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड ग्रुप है। इसमें है रन, होल्ड, जंप, वॉक। रन मीन्स दौड़ना, होल्ड पकड़ना, जंप उछलना, वॉक चलना। तो स्टूडेंट्स बताइए, इनमें ऑड वन कौन सा है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है? होल्ड। अब होल्ड ऑड वन ऐसे है, देखिए, रन, जंप, वॉक, ये तीनों एक्शंस करने के लिए हम अपनी लेग्स को यूज़ करते हैं, दौड़ने के लिए, उछलने के लिए और चलने के लिए हमने लेग्स को यूज़ किया। लेकिन होल्ड एक ऐसा एक्शन है जिसे करने के लिए हम हैंड्स को यूज़ करते हैं, तो हमारा यहाँ पे होल्ड ऑड वन हुआ। फोर्थ ग्रुप में है किक, पुल, कैरी थिंग्स, पुश। किक का मतलब लात मारना, पुल खींचना, कैरी थिंग्स चीज़ों को ले जाना मतलब ढोना, जैसे आप लोग अपना स्कूल बैग है उसे कैरी करते हो। कहाँ पे कैरी करते हो? अपने बैक एंड शोल्डर्स पे। तो कैरी मतलब चीज़ों को ले जाना। पुश धकेलना, धक्का देना। तो स्टूडेंट्स ये थे इनके मीनिंग। अब देखिए ये एक्शंस जो हैं, किक, किक करने के लिए हम लेग्स को यूज़ करेंगे, पुल चीज़ों को खींचने के लिए बैक एंड शोल्डर्स, कैरी थिंग्स बैक एंड शोल्डर्स, पुश धक्का देने के लिए बैक एंड शोल्डर्स। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एक्शंस हमने अपनी बैक और शोल्डर्स की हेल्प से किए, और किक करने के लिए हमने लेग्स को यूज़ किया। तो हमारा जो किक वर्ड है वो ऑड वन है। सर्कल कीजिए इसे। स्टूडेंट्स ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, अनजम्बल द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स नीचे आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो जंबल हो गई है, मतलब उनकी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है, कोई लेटर आगे चला गया है, कोई पीछे, तो वो स्पेलिंग गलत हो गया है। तो आपको उस स्पेलिंग को ठीक करना है, अनजंबल करना है, उस गड़बड़ी को सही करना है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको दे रखा है ई ई वाई। बताइए स्टूडेंट्स, इन तीनों लेटर्स को यूज़ करके हमारा कौन सा बॉडी पार्ट बनता है? आई, जिसकी स्पेलिंग है ई वाई ई। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वाई को सेकंड प्लेस पे आना था और ई को थर्ड प्लेस पे, तो ये हमें स्पेलिंग को यहाँ पे करेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस ओ ई एन। तो इससे जो हमारा करेक्ट बॉडी पार्ट बनेगा वो है नोज, एन ओ एस ई, नोज। देखिए स्टूडेंट्स, एन ओ एस ई, नोज, तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, इसे हमने ठीक करके लिखा। नेक्स्ट है एम टी एच ओ यू। इन लेटर्स को यूज करके जो हमारा बॉडी पार्ट बनेगा वो है माउथ, एम ओ यू टी एच, माउथ। तो इस वाले स्पेस में हम लिखेंगे माउथ। नेक्स्ट जो वर्ड है जो जंबल हो गए हैं, जी एल ई। इन लेटर्स को यूज करके कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा हमारा? लेग, एल ई जी, लेग। तो यहाँ हम लिखेंगे लेग। नेक्स्ट है आर ए आई एच। ये हेयर की स्पेलिंग है जो यहाँ पे गड़बड़ है, गलत है, इसे सही करके लिखते हैं हम एच ए आई आर, हेयर। नेक्स्ट है ए ई आर। बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी स्पेलिंग गलत हो गई है?
ईयर, ई ए आर, तो इस स्पेस में हम लिखेंगे ईयर। नेक्स्ट है ए डी एन एच, ये हमारा बॉडी पार्ट है हैंड, एच ए एन डी, ये हैंड की करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है टी ओ एस ई, बताइए स्टूडेंट्स ये कौन सा बॉडी पार्ट होगा। टोस यानी पैर के अंगूठे, टी ओ ई एस, टोस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जंबल वर्ड जिन्हें हमने अनजंबल किया है, इनके स्पेलिंग्स को करेक्ट करके हमने इन्हें फिर से लिखा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी चैप्टर टू की एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे फॉर्मेट बना के पार्ट्स ऑफ बॉडी, 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने हैं और इन्हें लर्न करना है। थैंक यू।